करीब 9 से 10 महीने बाद एक बार फिर से राजनीति के अखाड़े में सक्रिय हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लोगों के निशाने पर आ गए हैं। जहां एक तरफ कोरोना कहर के बीच नवजोत सिंह सिद्धू अपने आसपास के क्षेत्र में जरूरतमंदों की जरूरत का ख्याल रख रहे हैं, आम जनता को लॉकडाउन के बीच किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रख रहे हैं, वहीं सिद्धू के समर्थकों ने मार्केट में दुकानदारों से राशन का सामान खरीदना शुरू कर दिया है। अब इन सबके बीच नवजोत सिंह सिद्धू से गलती हो गई है। वो गलती क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राशन का सामान खरीदने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू मार्केट पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, और इस दौरान कोरोना वायरस के बचाव के लिए सेहत विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नजर आए। सिद्धू ने ना तो मास्क पहना, ना ही उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने दस्ताने पहने। बाजार की तंग गलियों में खुली दुकानों में वो गए। स्थानीय लोगों ने तो मास्क पहना, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में इतना व्यस्त हो गए कि ना मास्क पहने हुए नजर आए, ना ही हाथों में दस्ताने पहने हुए। और विपक्षी दलों ने सिद्धू की इसी लापरवाही को निशाना बना लिया है। मीडिया के साथ बातचीत करने से नवजोत सिंह सिद्धू इनकार कर चुके हैं। वो जानकारी देते हैं कि 2000 घरों में 10 किलो राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी थी मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, उसे ही नवजोत सिंह सिद्धू निभाते हुए नजर नहीं आए और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। अब निशाने से अपने आप को सिद्धू कैसे बचाते हैं देखना होगा। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।